यहाँ पे मम्मी ने सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए प्रसाद तैयार कर दिया है। मम्मी आपने आज क्या क्या बनाया है प्रसादी में? मैंने प्रसाद बना रखा है, पक्का प्रसाद बना रखा है, सिंगार बना रखे हैं, पुए बना रखे हैं, पूरी बना रखी है। अब भगवान जी के मंदिर में जाती हूँ। और इसमें क्या बन रहा है मम्मी? इसमें छोले वाले चने बन रहे हैं, एक आलू के गुटके बनेंगे। हाँ, और तो आमतौर रायता बनेगा। आज हमने जो शाम की कथा रखी है, क्यों मतलब शाम की कथा शुभ मानी जाती है, क्यों सुबह क्यों नहीं करवाई कथा? हमने सत्यनारायण भगवान के लिए प्रण कर रखा था। हाँ। कि हमारा काम सफल हो जाएगा। हाँ। तो हम शाम की कथा करेंगे सत्यनारायण भगवान की। हाँ, वैसे आमतौर पर सुबह शाम कभी भी सत्यनारायण भगवान की कथा की जा सकती है, लेकिन शाम को जो पूजा होती है भगवान विष्णु की, वो शुभ मानी जाती है, ज्यादा मानी। अच्छा। हाँ। शुभ मानी जाती है, इसलिए हमने रात की कथा ठीक। हाँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं हो चुकी हूँ कथा के लिए रेडी। दीप जी भी रेडी हो चुके हैं। मैंने मेहरून कलर की साड़ी पहनी थी और दीप जी ने स्काई ब्लू कलर का कुर्ता। तो अब आ चुके हैं हम मंदिर पे। यहाँ पे दिया जला दिया है और पंडित जी आ चुके हैं। पंडित जी अपनी कथा की तैयारियां कर रहे हैं। पापा भी तैयार होके बैठ गए हैं, मम्मी भी बैठी हुई हैं और चाचा लोग भी आ रहे हैं अभी। सत्यनारायण भगवान जी की कथा अब स्टार्ट हो चुकी है, तो देखिए किस प्रकार से हमारे पंडित जी कथा सुनाते हैं। ओम परमाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम योगीशाय नमः। योगनिष्ठाय नमः। ओम योगिने नमः। योगपंडे नमः। ईश्वराय नमः। सर्वभूसंग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वरूपाय नमः। सोनकारी जो 28,000 ऋषि हैं, पुराण वेता हैं, तो शिव जी से पूछने लगे हैं कि शिव जी ऐसा कोई व्रत बताओ, ऐसा कोई तप बताओ जो छोटा छोटा उपाय हो और उससे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त तो हो, ऐसा कोई उपाय बताओ जरा उसको, हमको सुनने की इच्छा करें। महसी आप हमसे उस व्रत के बारे में ऐसे हम कोई बताइए करें। शिव जी कहने एक समय में इसी प्रकार का प्रश्न जो है नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था और भगवान विष्णु ने नारद जी देवर्षि नारद जी को जिस प्रकार से उत्तर दिया था वो मन लगाकर आप विष्णु कह रहे हैं। तो कह रहे हैं एक समय में नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेका अनेक लोकों में घूमते घूमते इस मृत्यु लोक में मृत्यु लोक में जो है नारद जी का आगमन हुआ और यहाँ आकर अनेक योनि में उत्पन्न हुए। समस्त जो है मनुष्यों को तरह तरह के कलेशों से दुखों से युक्त देखा, उनके अपने कार्यों से उनको दुखी देखा और इन प्राणियों का दुख कैसे ठीक होगा, किस प्रकार दुख का नाश होगा, ऐसे मन में सोचकर विष्णु लोक को जो है नारद जी गए थे और वहां श्वेत वर्ण वाले चार भुजाओं वाले थे उनके ईश जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म पद्माला बहने हुए हैं और देख के भगवान स्तुति करने लगे हैं और कहने लगे। नारद जी कह रहे हैं हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकता, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप हो देव अनंत गुणों से आप युक्त हैं, आप संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत हैं, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है, उनको प्रणाम कर रहे हैं भगवान नारद जी जो है भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं। तो नारद जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने जो है नारद जी को दर्शन दिए और कह रहे हैं मुनि से कह रहे हैं नारद जी के भगवान वो आचार्य सागर विष्णु नारद अपना मन में तेरा मनोरथ है
वह सब मुझको कह गए हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा तो तेरे को बताएंगे गए हैं। तो नारद जी कह रहे हैं जो पृथ्वी लोक मृत्यु लोक के निवासी हैं, प्राणी हैं, अनेका अनेक योनि में उत्पन्न हुए, अनेक पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है, आप मेरे को अपना भक्त मानते हैं, तो उनका दुख किस प्रकार दूर होगा ये सब बताइए करें। तो भगवान कह रहे हैं पुत्र नारद, तूने संसार के ऊपर बड़ी कृपा की, अच्छी बात उत्तम बात पूछी है, जिस उपाय के करने से जो है प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है करें, उसे सुन मैं तेरे को बताता हूँ करें। बहुत पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है करें, तो तेरे पर मेरा स्नेह है, इसलिए इस व्रत के बारे में तेरे को बताता हूँ मैं कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान का व्रत भली भांत विधि पूर्वक करने से जो है प्राणी शीघ्र ही सुख भोगता और जो है और परलोक में मोक्ष को भी प्राप्त होता है करें। तो भगवान के ऐसे व्रत सुनकर जो है नारद मुनि से फिर से कहने लगे। तो कह रहे हैं नारद पूरी कथा मैं ब्लॉग के माध्यम से आपको सुना नहीं सकती क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा बन जा रहा था। कथा पूरी होने के बाद यहाँ पे आरती हम लोग कर रहे हैं अभी, मम्मी पापा और मैं। सत्यनारायण भगवान जी की कथा संपन्न हो चुकी है, आरती भी गाली है और भजन भी हम लोगों ने गाए। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, तैलाक।